अमजद मियां जी, अगर आप कहें तो मैं महबूब साहब से फरमाइश करूं। हाँ हाँ, शौक से शौक से। अब मैं महबूब मियां से गुजारिश करूंगा कि वो अपने ख्यालात को अल्फाज की शक्ल में पेश करें। इजाजत है। अब ये जाना, अब ये जाना के इसे कहते हैं आना दिल का। अब ये जाना के इसे कहते हैं आना दिल का। अब ये जाना के इसे कहते हैं आना दिल का। हम हंसी के समझते थे हम हंसी के समझते थे, लगाना दिल का। अब ये जाना के इसे कहते हैं आना दिल का। ओ आना दिल का, ओ आना दिल का। ऊंची है बहुत कोचाए जाना की जमीन, हमसे ऊंची है बहुत कोचाए जाना की जमीन, कोचाए जाना की जमीन। वहां पहुंचती भी है आवाज हमारी के नहीं, उनसे हम कहने तो आए हैं उनसे हम कहने तो आए हैं, फसाना दिल का। अब ये जाना के इसे कहते हैं आना दिल का। हम हंसी खेल समझते थे, लगाना दिल का। कम दूर से सूरत ही दिखा दे कोई, कम से कम दूर से सूरत ही दिखा दे कोई। काश चिलमन की ये दीवार गिरा दे कोई, फिर न प्यासा ही पलट जाए फिर न प्यासा ही पलट जाए, दीवाना दिल का। अब ये जाना के इसे कहते हैं दिल का। हम हंसी खेल समझते थे, लगाना दिल का। अब ये जाना के इसे कहते हैं आना दिल का। सुभान अल्लाह। हम हंसी खेल
समझती थी लगाना दिल का, अब ये जाना कि इसे कहते हैं आना। कहा है, हम हंसी खेल समझते थे लगाना दिल का। वाह, घटिया कसम की तुकबंदी है। तुकबंदी? अरे हजूर, दिलों को छू लिया है ख्याल ने। ख्याल तो किबला ठीक ठीक है, लेकिन अल्फाजों में जरा भोंडापन है। क्या भोंडापन है अल्फाजों में? साहब, भोंडापन ही भोंडापन है। देखिए नवाब, हमने नवाब साहब जाने क्या दीजिए, ये तो वही बात हुई घर बुलाकर बेइज्जती करने वाली। घर बुलाने का ये मतलब तो नहीं हुआ साहब कि आपके हर बकवास के हम दाद दें। देखिए नवाब अहमद खान, हर बात को सहने की बखुदा एक हद होती है। अगर आप हद पार कर लेंगे तो क्या करेंगे आप? आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे?